आज तो सरप्राइज़ मिल गया मुझे। मैं इसके लिए खाना लेके आई थी और ये देखिए मैडम घूम रही है आज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो क्यूटी पाई मेरा बोना, आजो आजो प्लेट में खाना डालेंगे। कम 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 आजो बाबा, आजो आजो आ, तेरी प्लेट इधर है, आजो 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 आजो। इसकी प्लेट अंदर है, कितनी अच्छी बात है ये निकल के बाहर आई है। ये देखिए वो ना ईट करना है, कहाँ गई मैडम, इधर पीछे कहाँ जा रही, इधर 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 प्लेट के पास, क्या बात है। ये देखिए हीरोइन हमारी, दूसरे की भी आवाज़ें आ रही, आ जाओ ना गुड गर्ल हो ना, गुड गर्ल, शाबाश, बहुत बढ़िया वो ना। तो उठ के बाहर आ गई, क्या बात है। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था, आज सुबह से लग रहा था मेरे को कि काश ऐसा हो कि मैं खाना लेके जाऊं और ब्रोनी मेरा पहले इंतज़ार कर रही हो गेट के पास में, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि ये उठ के घूमे फिरे, है ना बोना। और आज ऐसा ही हुआ, फिनिश करो फिनिश करो, शाबाश 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 गुड गर्ल, कितनी अच्छी बात है फ्रेंड्स, आज ये उठ के आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बोना मेरी बोना। धूप देखे यहाँ तक लग गई है, अभी यहाँ तक ही आ गई है, 9 बज रहे हैं अभी और टाइम बोना का थोड़े देर हो गई, पर कोई बात नहीं, खुशी की बात है ना कि बोना चक्कर लगा रही है, बहुत अच्छी बात है। सूरज भी काफी चमक रहा है, आज अच्छी धूप होने वाली है, आज तो बादल भी नहीं है। और ये मैडम हमारी खाना खा रही है, क्या बात है बोना, शाबाश, आज मेरी बोना ठीक हो रही है। माता रानी ने बचा लिया इसको, मुझे विश्वास है ठीक हो जाएगी अच्छे से ये, है ना बोना, है ना बोना। कमज़ोर हो गया ना, पूँछ इतनी बड़ी लग रही है इसके पीछे। आज बोना का हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये 15 फरवरी को आई थी पिछले साल में, तो आज बोना का हैप्पी बर्थडे भी है, क्योंकि मैं तो उसी चीज़ को मानती हूँ। उससे पहले ये कितने, इसकी एज एग्जैक्ट कितनी है वो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन आज मुझे, मैं इसकी वीडियो देख रही थी, ढूंढ रही थी पुरानी वीडियो, जब ये पहली बार हमारे घर में आई थी अपनी बहन के साथ में, इसकी बहन की तो डेथ हो गई, वो ये दोनों यहीं पे सोती थी तब, तो उसकी बेचारी की डेथ हो गई है। और बोना की एक साल में ही क्या हालत हो गई बेचारी की, ये बीमार नहीं होती तो कितनी अच्छी है, एकदम इसकी हेल्थ इतनी अच्छी थी, अभी काफ़ी वीक हो गई है, लेकिन चलो माता रानी इसको ठीक करेंगे जल्दी। फिनिश करो बोना, फिनिश करो, भूख की भी दवाई है इसके खाने में, उससे इसको अच्छी भूख लग जाती है, मज़े से खाती है। मुझे इसकी बहुत फिक्र होती थी, पता नहीं क्या होता था, मैं तो बस रोती रहती थी सारा दिन भर इसको देख के ना, मुझे इतना रोना आता था और मुझे अंदर डांट पड़ती थी कि बस कुत्तों को देख के रोती रहती है बस। देखिए अभी भी इसकी टांगों में इतना, मतलब उतना होश नहीं है, थक जाती है जल्दी है, मुझे रोना आ जाता था इसको देख के, बहुत बुरा हाल होता था मेरा। माता रानी से प्रार्थना करती थी, माँ प्लीज़ इसको ठीक कर दो, प्लीज़ बोना फिनिश कर दो अच्छे से। अरे कहाँ, चलिए इसने पूरा खाना नहीं खाया, प्लेट यहीं पे रखूँगी मैं, अभी कोई ना कोई आके चाट लेगा इसको, बाकी नहीं डालूँगी खाना इसमें, देख रही है। कहाँ जाना है बोने तूने, कहाँ जाना है मेरा चिंदर चिंदर बोइना, अभी कैसे हाथ लगाओ, मेरे हाथ में डब्बा है,
अंदर जाना है, रुक जा मेरे से पहले तैयार है अंदर जाने को। रुक, अरे गेट तो खोलने दे। नहीं आने, देखिए एक इधर बैठा हुआ नीचे। लेकिन इसको मैं अंदर नहीं रखूंगी, कल मैं इसको ऐसे रख के अंदर चली गई थी और इसने गोलू पे अटैक कर लिया था। गोलू ईट करना है, इसको मुझे बाहर ही करना होगा। गोलू ईट करना है, तो क्यों रो रहा था हैं? तूने खाना तो खा लिया है, वो फुलका एक खाया ना, देती हूँ और रुक जा। वो ना बाहर जाना होगा बाबा, क्योंकि आप लड़ते हो फिर। आ जाओ।